सो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट गूगल ट्रांसलेटर, जो हम सभी यूज करते हैं. जब भी हमें कोई वर्ड हिंदी में समझ नहीं आता या कोई सेंटेंस हमें समझ नहीं आता, हम सीधे गूगल ट्रांसलेटर में जाते हैं और उसे ट्रांसलेट कर लेते हैं, और हम सोचते हैं कि वो बहुत रिलायबल है, बहुत ही विश्वसनीय है. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. आई एम टेलिंग यू, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस. गूगल ट्रांसलेटर इज नॉट टू बी रिलायड ऑन एवरी टाइम. क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर में क्या होता है कि आप जैसे जैसे बोलते हैं हिंदी में, वैसे ही वो जो है ट्रांसलेट कर लेता है. एंड समटाइम्स द ट्रांसलेशन इज सो पैथेटिक दैट यू लाफ एट इट. तो मैं ऐसे ही 5 सेंटेंसेस मैंने उसमें सर्च करके देखे जो मुझे लगा कि डिफिकल्ट हो सकता है. सो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट. मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आपको सही ही मिलेंगे. बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जैसे कि स्लैंग्स हो गए, जो हम हिंदी में आपस में बात करते हैं, तो वैसी चीज़ें डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है. तो मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ कैसे जो है गूगल जो है कभी कभी गलत ट्रांसलेट करके दिखाता है. सो फर्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने गूगल किया था. मैंने यहाँ पे लिखा था, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई डू नॉट मीन एनीथिंग टू यू. तो इसका क्या मतलब हुआ, उन्होंने पूरा रिवर्स कर दिया. इसका मतलब हुआ कि तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है. तो एक्चुअली ये गलत है. मैं ये बोलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है. तो यहाँ पे आप दो तरीके से बोल सकते हैं कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है. फर्स्ट इज कि यू डोंट कंसर्न मी, या दूसरा बोल सकते हैं यू डोंट मीन एनीथिंग टू मी. तुम्हारी वैल्यू जो है नहीं है मेरे लिए, मतलब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. तो आप देख ही सकते हैं कि ये बिल्कुल अलग मीनिंग दे रहा है. तो आप थोड़ा और रिसर्च कीजिएगा कि ये सही बोल रहा है कि नहीं. सो डायरेक्टली आपको रिलाय करने की जरूरत नहीं है इस पे. सेकेंड सेंटेंसेस, उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने झूल रहा है. तो आप इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, हिज फेस इज स्विंगिंग बिफोर माई आइज. तो स्विंग करना तो वैसे झूलना ही होता है, बट एक्चुअली वो फिजिकल झूलना होता है. और यहाँ पे आप माइंड के सामने किसी का चेहरा जो है वो मंडरा रहा है या झूल रहा है बोलते हैं. तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हिज फेस इज लिंगरिंग बिफोर माई आइज, मतलब ये आपके आंखों के सामने झूल रहा है, आपके आंखों सामने बार बार आ रहा है. या तो हम एक और भी यूज करते हैं वर्ड कि मंडरा रहा है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जब टाइप किया कि उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने मंडरा रहा है, तो उन्होंने एकदम करेक्ट बताया कि हिज फेस इज हावरिंग बिफोर माई आइज. तो हावर का मतलब यहाँ पे सही बताया है कि हावर मतलब झूलते रहना या कोई चीज मंडराना आंखों के सामने. तो यहाँ पर उन्होंने सही बताया. तो आपको तो पता ही होगा, कभी हम मंडराना यूज़ करते हैं, कभी हम बोलते हैं कि मेरे आंखों के सामने उसका चेहरा झूल रहा है. तो झूल रहा है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गलत बता रहा है. स्विंगिंग एक राइट वर्ड नहीं है. तो या तो आप लिंगरिंग बोल सकते हैं या तो हावरिंग बोल सकते हैं. अब जो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने सर्च किया था वो था, तेरा क्या जा रहा है. तो हम ये हिंदी के स्लैंग में बोलते हैं कि तुझे क्या मतलब है, तेरा क्या जा रहा है. तो ये मैंने अपने 5 सेंटेंस वाले सीरीज में भी इसका बताया था कि इसे कैसे बोला जाता है. इन्होंने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया है. डायरेक्टली कन्वर्ट करके इन्होंने ये बता दिया कि व्हाट इज गोइंग ऑन विथ यू. तो यहाँ पे कन्वर्जन आप देख ही सकते हैं कितना फनी है कि व्हाट इज गोइंग ऑन विथ यू. तो व्हाट इज गोइंग ऑन विथ यू इसका मतलब है कि आपके साथ क्या हो रहा है. तो आप देख ही सकते हैं कितना गलत मीनिंग दे रहा है ये. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इन पे ज्यादा रिलाय मत कीजिए. तेरा क्या जा रहा है को आप बोल सकते हैं व्हाई इज इट बॉदरिंग यू या व्हाई इज इट पिंचिंग यू. अब नेक्स्ट जो मैंने सर्च किया वो तो बहुत ही फनी है, आपको भी बहुत फनी लगेगा. तो मैंने लिखा कि तेरा जवाब नहीं है. तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि यार तूने तो बहुत अच्छा किया है, तेरा तो कोई जवाब नहीं है. तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता आप कैसे बोलना है और आपने सर्च किया, और तो आप देख ही सकते हैं कि आप बोले नॉट योर आंसर. तो कितना फनी है ये, कितना इन्होंने सीधा कन्वर्ट कर दिया है नॉट योर आंसर. तो कितना गलत है ये. अगर आपको बोलना है तेरा कोई जवाब नहीं, मतलब आपने कुछ अच्छा काम किया है बहुत, तो आप बोल सकते हैं यू आर ऑसम और यू आर फिनोमिनल. सो अब फिनोमिनल का मतलब ये होता है कि इससे पहले कोई ऐसा किसी ने कुछ किया नहीं है, अभूतपूर्व है. अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ये भी आपको बहुत फनी लगेगा. हम बोलते हैं ना ये तुमने क्यों किया यार, ऐसे थोड़ी ना होता है. तो इसने क्या ट्रांसलेट करके बताया है, देर इज लिटिल. सो देर इज लिटिल का कोई मतलब ही नहीं निकलता है. मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे थोड़ी ना होता है को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इंग्लिश में. आप बोल सकते हैं दिस इज नॉट फेयर और दिस इज नॉट डन. तो आपने सुना भी होगा कई बार मूवीज में बोलते हैं कि यार दिस इज नॉट डन. तो ये वीडियो का मकसद गूगल ट्रांसलेटर को क्रिटिसाइज करना नहीं है. वो तो अपना काम कर रहा है, डायरेक्ट कन्वर्जन करके आपको बता रहा है. बट आपको भी अपना दिमाग लगाना है कि कोई चीज़ सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है. और कभी कभी ऐसा होता है कुछ एक्सप्रेशन जो है स्टैंडर्ड होते हैं जो कि वैसे यूज़ किए जाते हैं. सो आप ज़रूर इन बातों का ध्यान रखिए और ज़्यादा इस पर रिलाय मत कीजिए. और कोशिश कीजिए कि जो स्लैंग वर्ड्स हैं उनको आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उन्हीं में डिफ़िकल्टी होती है कि हम इंग्लिश में कैसे बोलें. और वैसे इसीलिए मैं 5 सेंटेंसेस की सीरीज लेकर आते रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा डाउट इसी में होता है कि हम डे टू डे लाइफ में जो हिंदी यूज़ करते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलें. सो आई एम होपिंग ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. और आपको अगर पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ है. एंड शेयर द वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डू फॉलो मी एट माई ब्लॉग talismanicchange.blogspot.com where you can find so many articles.
एंड नेक्स्ट टाइम इफ यू आर स्टक एट एनी वर्ड यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आई विल डेफिनेटली एड्रेस देम वन थिंग प्लीज डोंट रिलाय टू मच ऑन गूगल ट्रांसलेटर बट आई डू अप्रिशिएट देयर वर्क बिकॉज दे आर मेकिंग लाइफ ईजियर फॉर द नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश So this is all for today. Till we come up with a new and interesting lesson. Till then, be healthy, be safe, and keep watching English with Sana's video. Thank you so much. Happy learning.